नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय राजस्थान में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। कभी कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा की पहचान अब मॉडल सिटी के नाम से होगी। मुख्यमंत्री गहलोत और मंत्री शांति धारीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट आज पूरा हो गया है और चंबल रिवर फ्रंट के हाड़ौती की जनता को सौगात मिली है। कोटा में अब आपको भक्ति के स्वर्णकाल का एक नया संसार दिखेगा, जिसमें शौर्य, वीर गाथा, भक्ति और अध्यात्म के भी दर्शन होंगे। यानी देश में एक मॉडल सिटी के रूप में कोटा को जनता के सामने रखा गया है। बीजेपी गुजरात मॉडल की चर्चा हमेशा करती है, अब कांग्रेस राजस्थान मॉडल को जनता के सामने रख रही है। तो क्या मान लिया जाए कि कोटा को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करके मुख्यमंत्री गहलोत और मंत्री शांति धारीवाल ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है और अब मॉडल सिटी की ही चर्चा होगी। आज बात इसी खास मुद्दे। मॉडल सिटी, चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है कांग्रेस नेता पंकज मेहता जी, कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही बीजेपी नेता विकास बारहट जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का बिग फाइट लाइव में। बेहद अहम मुद्दा है, कुछ और मेहमान भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पंकज मेहता जी मौजूद है आप इस वक्त कोटा में और कोटा की तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है, जिस तरह से ये ड्रीम प्रोजेक्ट आज पूरा हुआ है। कितना फायदा इससे मिलेगा और खासतौर से राजस्थान मॉडल को लेकर क्या माना जाए कि अब चर्चा होगी गुजरात मॉडल के बाद? बिल्कुल सही है, राजस्थान मॉडल की चर्चा सर्वत्र होगी। शहरी विकास के नए आयाम राजस्थान में स्थापित हुए हैं। आज चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ, लोगों ने देखते ही बन रहा था, जो बरसों से चंबल नदी बह रही है, घाट, पुराने घाट कई वर्षों से वहां पर स्थित थे, उन्हें जिस तरह से सौंदर्यकरण प्रदान किया है, मैं समझता हूं कोटा का एक नया इतिहास का निर्माण हुआ है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे दोस्तों को ये विकास भी नहीं पच पा रहा है। पंकज जी, दोस्तों को क्यों नहीं विकास पचेगा? राजस्थान में ही रहते हैं, हर कोई चाहता है राजस्थान में विकास हो, हर कोई चाहता है कि देश दुनिया में राजस्थान का नाम हो, शहरों का नाम हो। आपको क्यों ऐसा लगता है कि दोस्तों को ये पच नहीं रहा? होना यही चाहिए, लेकिन इसको लेकर आलोचना की जा रही है। भाजपा ने जिस तरह से मुद्दा विहीन विपक्ष की भूमिका निभाते आज जिस तरह से बात कही है इस रिवर फ्रंट को लेकर, वो आश्चर्यजनक है, घोर आपत्तिजनक है। ठीक है, विकास भारत जी भी हमारे साथ है, बीजेपी नेता। विकास जी, पंकज मेहता जी जो सवाल उठा रहे, जो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष में होने के नाते भी ये बात पच नहीं रही है, ये पसंद नहीं आ रही है, ये विकास अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर भी सवाल उठा रही है बीजेपी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो फैक्ट से अवगत करवा दूं। राजस्थान सरकार की अधिसूचना 7 दिसंबर 1979 में चंबल नदी के दोनों किनारों पर 100-100 मीटर तक चंबल घड़ियाल सेंचुरी अधिसूचित की गई। इसको 3 सितंबर 1983 में इस सीमा को बढ़ाकर 1-1 किलोमीटर यानी कि 1,000 मीटर कर दिया गया। फरवरी 2011 में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया कि सेंचुरी के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन रहेगा, जिसमें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्वीकृति के बिना किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं किया जाएगा, इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ भी आवश्यक होंगी। तो मेरा जो सीधा सा सवाल आपके माध्यम से इनसे है, वो आप ही इनका वर्डिक्ट ले लीजिएगा कि क्या चंबल रिवर फ्रंट में वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972 की अनुपालना की गई है? क्या एनवायरमेंट प्रोडक्शन एंड स्टैंडिंग कमेटी से स्वीकृति ली गई है? और अगर ली गई है तो सीएम साहब जो पूरे सरकारी अमले को कोटा लगा दिया, पूरा कैबिनेट कोटा में मौजूद था, 100 से ऊपर विधायकों को इसके औपचारिक न्योते दिए गए,
क्या हुआ कि रात को 2:28 पर उनको ट्वीट करके कोटा का अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं, वही हमेशा की वजह रही है, और वो वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ अपने हित साधने के लिए राजनीति करना, सत्ता के लिए राजनीति करना, लोगों की गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई को, अपने वोटों को, अपने हितों को साधने के लिए काम करना। पीछे क्या नियम है, क्या क्या नियम पूरे नहीं हुए, इससे कोई सरोकार नहीं। आप ये कह रहे हैं और इसलिए बीजेपी सवाल उठा रही है, इसलिए बीजेपी से प्रमुखता से कह रही है। पंकज मेहता जी, एक इस पर रिएक्शन दे दीजिए, क्योंकि हमारे साथ एसपी मित्तल जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका रुख करेंगे। एसपी मित्तल जी, स्वागत है आपका। बीजेपी को आज याद आई है इन नियमों की बात? जब काम शुरू हुआ तब क्यों नहीं बोले? आपको देखने चाहिए थे ना, आप किस लिए हो पंकज जी, आप किस लिए हो? बिल्कुल नियमों की पालना हुई है और नियमानुसार बना है, तो फिर क्यों भागना पड़ा आपको? अगर कहीं नियमाविरुद्ध है तो कार्रवाई कराएं। अजमेर में इन्होंने 7 वंडर बनाया, मैं आपको एक बात छोड़ छोड़ दूं, उद्घाटन हुआ है अजमेर में, इन्होंने 7 वंडर बनाया, एनजीटी ने उसको ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। विधिवत उद्घाटन हुआ है, खुद करो नहीं कुछ, खुद करो नहीं कुछ, दूसरे करे तो पेट में दर्द। ठीक है पंकज जी, लौटेंगे आपके पास। एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत है एसपी मित्तल जी आपका। मित्तल जी, दो तस्वीरें हैं, देखिए एक तरफ तो बहुप्रतीक्षित था ये प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वक्त लगता लेकिन वक्त से पहले ये बनकर तैयार हुआ, आज लोकार्पण भी हुआ, 2 दिन का खास कार्यक्रम कोटा में है जहां पर नजर भी आ रही है सभी वीआईपीज की मौजूदगी। दूसरी तरफ बीजेपी सवाल जो उठा रही है नियम कायदों को लेकर, अब इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए किसी कारणों से, उस पर भी सवाल उठ रहा है, इस पर सबसे पहले आपका एक रिएक्शन चाहेंगे दोनों पहलुओं पर। देखिए श्वेता, मैं सबसे पहले ये जो पूरा प्रोजेक्ट है चंबल नदी के किनारे जो रिवर फ्रंट बनाया, मैं उसके बहुत सकारात्मक पहलू देखता हूँ। मुझे लगता है कि क्या नाम से जो कोटा शहर है वो देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां से कोई नदी, बारहमासी नदी लाइव बहती है और पानी रुकता नहीं है। और हमने ये देखा कि जैसे उदयपुर का जैसे आता है तो उसको कहता है झीलों की नगरी, लेकिन पानी वहां ठहरा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या नाम से जो कोटा है उसका एक प्राकृतिक सौंदर्य यह है कि वहां पर एक लाइव नदी बहती है और बारहमास नदी बहती है। यदि उस नदी के किनारे प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने के लिए यदि कोई रिवर फ्रंट बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, इस पर होना भी चाहिए। अब ये जो इतना बड़ा फ्रंट 3 किलोमीटर का बनाया गया है, मैं इसमें एक और सकारात्मक पहलू ये भी देखता हूं कि हम देखते हैं कोटा के अंदर जो कोचिंग सेंटर है वहां आए दिन क्या नाम से छात्रों द्वारा आत्महत्या की जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो रिवर फ्रंट है, ये जो उन छात्रों का जो क्या नाम जो तनाव है उसको दूर करने का भी काम करेगा, और जब यह आएंगे तो उनको एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो नियमानुकूल हुआ या नहीं हुआ। इसमें मेरा ये मानना है कि सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही ज्यादा है, वो इस बात को देखते कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है पर्यावरण को लेकर उसकी पालना हुई है या नहीं हुई है। देखिए मेरा मानना है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनका चूंकि राजनीतिक इंटरेस्ट होता है इसलिए वो ऐसे डिसीजन लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी दायित्व जो अधिकारियों की है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी कि ये नियमानुकूल है या नहीं है। मैं आपको अजमेर के संदर्भ में बताना चाहता हूँ श्वेता जी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे जीएनटी कहा जाता है, उसके एनजीटी कहा जाता है, उसने अभी हाल ही में अजमेर में 64 करोड़ रुपए के काम, जिसमें जो आना सागर का जो भराव क्षेत्र में उसमें जो काम हुए, चाहे उसमें 7 वंडर हुए, चाहे उसमें एक रेस्टोरेंट हुआ, और जो उन सबको तोड़ने के आदेश कर दिए हैं, और वो इसी बात पर किए हैं कि इसमें पर्यावरण की उल्लंघन हुआ है, इसमें जो क्या नाम से ग्रीन बेल्ट है उसका उल्लंघन हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आप करोड़ों रुपए के यदि निर्माण कार्य तोड़वा देंगे तो फिर जो जनता जो पैसे, ये जो पैसा है शांति धारीवाल जी ने अपनी जेब से तो दिया नहीं, ये कोटा की जनता का पैसा है जिसको यूआईटी ने खर्च किया था। अब जनता के पैसे पर यदि आप हथौड़ा चलाएंगे तो इसकी जवाबदेही किसी की तो तय होनी चाहिए। एसपी मित्तल जी, मुख्यमंत्री का आज नहीं पहुंच पाना भी क्या एक वजह ये हो सकती है? आप
ये बात सही है, हमने आज लिखा कि क्या नाम से जिस तरीके से अखबारों में कोटा यूआईटी के विज्ञापन छपे उसमें कहा गया था कि क्या नाम से मुख्यमंत्री जी मौजूद रहेंगे और क्या नाम, लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी नहीं आए और उसके बाद में जो मंत्री निवेदन करना चाहता हूँ उसको भी क्या नाम से नदी के किनारे पर कहीं ना कहीं ये बात आई कि कोई पुराने घाट बने हुए थे लोकार्पण के उससे बचने के लिए नदी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, घाटों का नवीनीकरण हुआ है। पंकज जी अच्छी बात है, देखिए बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, ये हर कोई मान रहा है। चंबल रिवर फ्रंट अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है, वो सबको नजर आ रहा है, लेकिन अगर कुछ सवाल उठते हैं तो उस पर भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है, भले कोई आरोप लगाए सही हो या गलत हो उसकी जांच भी बाद में हो जाएगी। वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी जयती मिश्रा भी कोटा से हमारे साथ जुड़ रही है। जयती का रुख करते हैं, पंकज जी लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे अभी। जयती हमारे साथ है। जयती, आज दिन भर की बात की जाए तो बेहद भव्य कार्यक्रम रखा गया, जितना भव्य ये बना हुआ है वैसा ही कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जो लोकार्पण कार्यक्रम था। फिलहाल अभी की क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ या अभी कुछ और भी है? बिल्कुल श्वेता, तस्वीरें अभी आपको दिखाना जी, तो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही महाआरती की शुरुआत थी और उस समय फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, लेकिन कुछ डिले हुआ और डिले के साथ में ही तेज़ बारिश होने लगी और तेज़ बारिश के साथ में फिर जो आरती का पूरा सेटअप था, जो महाआरती वहाँ पर होने वाली थी घाट पर, उसको फिर अलग तरीके से और छोटे स्वरूप में किया गया। लेकिन फिलहाल अगर आपको तस्वीरें दिखाएं, अभी भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है, लेकिन दूसरी ओर ये प्रतिमा सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र, मैं कैमरा सहयोगी नरेंद्र से कहूँगी कि आपको दिखाएं, सबसे बड़ी आकर्षण का केंद्र ये प्रतिमा रही, ये चंबल माता की वो प्रतिमा है जिससे शुरुआत जब महाआरती की होने वाली थी और छलक कर पानी इनके कलश से गिरने लगा और लगभग इस चीज़ को अब 45 मिनट का समय हो गया है, लेकिन पानी छलक रहा है, सुंदर नज़ारा है, इसमें कोई भी नानकोर नहीं कर सकता कि जिसको इतना भव्य बनाया गया है, जितना खूबसूरत बनाया गया है उतना ये सुंदर है। आपने कहा कि कार्यक्रम संपन्न हो गया श्वेता, इसके बाद में एक और कार्यक्रम था, इसके बाद में जो फाउंटेन शो है वो होने वाला था, लेकिन चूँकि वो एक ओपन एरिया है और ओपन एरिया होने की वजह से बारिश के चलते अभी उसको एक बार के लिए रोका गया है। वहाँ पर तमाम जो डिग्निटरीज है उनका डिनर भी था, जो राजदूत आने वाले थे, अलग अलग देशों के राजदूत नहीं पहुँचे थे, कुछ लोग पहुँचे, लेकिन जो लोग पहुँचे उनके डिनर के ये कुछ समस्याएं हैं जो बारिश की वजह से हुई। हालांकि बारिश के बाद में भी आरती जब पंडितों की ओर से की गई, वो बारिश में भीग कर भी आरती कर रहे थे, वो नीचे चले गए आरती करने के लिए, और उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका भी आयोजन मीडिया सेंटर जो उसके अंदर बनाया गया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, कुल मिलाकर के आज के दिन की अगर बात की जाए श्वेता, तो दिन अच्छा रहा, सुखद रहा, लेकिन एक कसक यहाँ पर लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर रह गई कि आरती अगर कुछ देर पहले हो जाती तो फिर आरती उतने भव्य तरीके से हो पाती जितनी बारिश की वजह से, बारिश की वजह से ही थोड़ा खलल हुआ और बारिश की वजह से ही इसे शॉर्टकट में करना पड़ा, वरना वो दृश्य भी बहुत भव्य होता। जयती आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज जी आप, क्योंकि सवाल उठ रहा है पंकज जी, ठीक है मुख्यमंत्री ने, लेकिन कल मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कल का भी कार्यक्रम है, बेहद अहम है, लेकिन सवाल अगर उठाया जा रहा है कि अब वाकई में चलिए इसके इतर आरोप लगाएंगे भी, अगर कुछ कमियां होंगी तो उसको लेकर सवाल भी उठेंगे, ये लाजमी भी है, लेकिन पंकज जी जो ये बनकर तैयार हुआ है, बार बार एक बात कहा जा रहा था कि अब तक गुजरात मॉडल कर रहे थे, लेकिन अब कोटा में जिस तरह से भव्य रिवर फ्रंट बना है, इसके बाद राजस्थान मॉडल की भी चर्चा देश भर में होगी, आप मानते हैं कि अब ये चर्चा का भी मुद्दा बनेगा, इसके खूबसूरती जिस तरह से कम वक्त में इसे बनाया गया? बिल्कुल होगी, राजस्थान मॉडल की चर्चा होगी, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हो, आज राजस्थान की चर्चा सर्वत्र हो रही है, और जो शहरी विकास में जो चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क बना है, ये एक नींव की ईंट के रूप में साबित होगा, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में चुनाव के बाद जब कांग्रेस की पुनः सरकार बनेगी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, तो अन्य शहरों का भी इसी तर्ज पर विकास होगा। इसी बात से भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। चलिए ठीक है पंकज जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एग्जाम्पल सेट कर दिया है, एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर दोबारा सरकार आती है तो ऐसे ही विकास कराएंगे, ऐसे ही शहरों की तस्वीर बदलेगी, वादा किया था, ठीक है कि कोटा में अगर वायु सेवा शुरू नहीं होगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, 9 वर्ष हो गए आज तक वायु सेवा शुरू नहीं हुई, ठीक है विकास क्या कर रहे हैं इनके सांसद, क्या कर रही है इनकी सरकार केंद्र, विकास जी जो बात अभी यहाँ पर पंकज जी ने कही
कि विकास किया जा रहा है यहाँ पर, इतना भव्य बनाया गया है, आने वाले वक्त में अगर सरकार बनती है तो तस्वीर और दूसरे शहरों की भी बदली जाएगी। मैं आपके माध्यम से विकास जी एक सवाल का जवाब, ठीक है, राजनीति से इतर अगर बात करें, जो रिवर फ्रंट बना है आप उसे मानते हैं कि ठीक है बहुत हटके बना है और राजस्थान के लिए बेहद अहम है, नाम रोशन होगा देश दुनिया में भी, लोग देखने इसे आएंगे, इस लिहाज से अगर बात करें तो एक जवाब इस पर। श्वेता जी आपसे एक बात जरूर, मैं पढ़ा लिखा हूँ और आप भी काफी पढ़ी लिखी है और आपके श्रोतागण भी खूब पढ़े लिखे, मैं एक बात जानना चाहता हूँ जी कि मानवता के इतिहास को हम देखते आए और जो मानवता के स्तर को हम आज यहाँ ले आए हैं इस आधुनिकता में, क्या हमें हमारे विकासशील होते होते क्या ये भूल जाना चाहिए कि कुछ जीव हमारे ऊपर ही आश्रित हैं और वो हमसे कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि सिर्फ हम उनको जीने दें, उनके जीवन के लिए कुछ अच्छा ना कर पाए तो कम से कम उनके क्षेत्र में तो ना घुसे, उसके खिलाफ है। आप मुझे बताइए कि क्या घड़ियालों के लिए चंबल नदी आवश्यक नहीं है? अगर आवश्यक नहीं है तो पूर्व में निर्णय क्यों किए गए? लोअर स्ट्रीम में नहीं है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन विकास जी, एक सवाल ही पूछता, बिल्कुल आपने ठीक है जायज सवाल उठाया, लेकिन विकास जी मैं मेरी बात कंप्लीट करना चाहूंगा। 3 साल हो गया और देखिए विपक्ष के तौर पर बीजेपी को भी तो सब पता था, नदी अपने स्वरूप में, आप लोगों ने पहले सवाल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि कांग्रेस तो हर चीज में बीजेपी के वो भी कटघरे में खड़ा कर देती है, बीजेपी ने क्यों नहीं किया? निवेदन करता हूं, पहले आप आके देखिए। पंकज जी पहले बोलने दीजिए, विकास जी को बोलने दीजिए। आप बड़े उम्रदराज व्यक्ति हैं, किस प्रकार से बीच में पंकज जी सुनिए बात सुनिए आप। हां विकास जी, मैंने इनको पूरा समय दिया, बीच में तो ना बोले कम से कम। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं श्वेता जी कि हमने निरंतर इस तरफ इनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिशें करी, लेकिन आप देखिए कि यूडीएच मिनिस्टर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उनका मन और उनकी आत्मा कोटा के बाहर निकल ही नहीं पा रही है। मैं बिल्कुल मानता हूं अगर नियमों के अंदर है तो ऐसे रिवर फ्रंट हर जगह बनने चाहिए, जहां रिवर्स नहीं है वहां पर कोई आर्टिफिशियल तरीके से कोई पानी का स्रोत बनाकर बनाने चाहिए, राजस्थान का विकास होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, हर जगह होना चाहिए। लेकिन आप बताइए श्वेता जी, क्या राजस्थान में कोटा के अलावा अन्य कोई शहर है ही नहीं? एकमात्र कोटा को केंद्र बनाकर यूडीएच मिनिस्टर जो है वो पूरे 5 साल तक काम करते रहे, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इनको और शहरों की तरफ भी बराबर ध्यान देना चाहिए था? कोटा में मैं मानता हूं इस रिवर फ्रंट से कहीं ज्यादा आवश्यक था, मां भारती के कितने लाल आत्महत्या कर चुके, वो नौ निहाल जो इस देश का प्रतिनिधित्व करते कितने मर चुके, वहां एक मनोचिकित्सा केंद्र की ज्यादा आवश्यकता थी श्वेता जी, बच्चों को फीस में डिस्काउंट देने की ज्यादा आवश्यकता थी, बच्चों को चयनित करके उनको फ्री कोचिंग देने की ज्यादा जरूरत थी, वहां बहुत से ऐसे कार्य थे जो किए जाने चाहिए। आज कोचिंग एरिया में आप जाइए, वहां रोडों की स्थिति देखिए, कोटा ग्रामीण की स्थिति देखिए, वहां पर पेयजल लाइनों की स्थिति देखिए। पंकज जी, ये कोटा का ये दूसरा पहलू है और इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता? पूरे राजस्थान पे ध्यान दीजिए श्वेता जी, क्योंकि ये यूडीएच मंत्री से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि मैंने विकास और शहरों में भी कराया है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए सबका ध्यान इसी ओर है। विकास जी उन्होंने ये जवाब दिया था, ठीक है, सुनते ही नहीं है जी। और कोटा देखिए, और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, क्या जयपुर में विकास क्या बाकी के राजस्थान में आंखें बंद कर लें क्या श्रीमान? अजमेर में विकास नहीं हुआ? बाकी के राजस्थान में आंखें बंद कर लें? कौन सा शहर है जहाँ काम और विकास नहीं हुए? कोई शहर श्रीमान विकास से अछूता नहीं? कौन सा शहर है जहाँ पर किसानों ने आत्महत्याएं नहीं करी? कौन सा शहर है जहाँ पर बलात्कार नहीं हो गए? कौन सा शहर है जहाँ पर पेपर लीक के आपके माफिया नहीं पकड़े गए? कौन सा शहर है जहाँ पर आपके भ्रष्टाचार की कलियां नहीं खुली? सही कह रहे हैं आप, शहर तो सारे इन्वॉल्व है। आपके शासन में 21 बार हुए पेपर लीक? आपकी इस शासन में तो क्या आप ये बात हमारे शासन में क्या हुआ नहीं हुआ वो छोड़िए, आप जनता को यही देने आए थे। विकास जी, पंकज जी, एक मिनट देखिए, हम जिस मुद्दे पर बात करें उस पर बात करते हैं ना, बेहतर पे तो कंपटीशन नहीं कर रहे, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स क्या उसमें एक दूसरे से आप कंपटीशन कर लीजिए कि हमारे कार्यकाल में कितना क्राइम हुआ तो आपके में क्राइम का परसेंटेज क्या था। देखिए ट्रैक से मत उतरिए, जिस मुद्दे पर बात हो रही है ठीक है, आप इसकी सराहना भी कर सकते हैं, आप इस पर कमियां भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम दोनों पहलुओं पर बात कर रहे हैं। एसपी मित्तल जी देखिए, आपने सुना विकास जी और पंकज जी दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन एक सेकंड विकास जी, एक सेकंड, बिल्कुल वापस आपके पास आ रहे हैं। मित्तल जी का एक रिएक्शन ले लेने दीजिए। एसपी मित्तल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और अगर चुनाव के लिहाज से देखा जाए, विधानसभा चुनाव सामने है, इस लिहाज से देखा जाए, इस विकास को देखा जाए, ये राजस्थान मॉडल की जो बात कही जा रही है इसको देखा जाए, क्या पाते हैं आप, फायदा नुकसान चुनाव में इसे लेकर? देखिए, जो कोटा के जो विकास की बात है इसमें कोई दो राय नहीं कि शांति धारीवाल जी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, और हम देख रहे हैं कि क्या नाम से इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो वो उनके जो उनके पुत्र हैं वो भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सारा विकास इसलिए भी एक केंद्रित होगा कि उनको क्या नाम से बाद में अपने जो राजनीतिक विरासत है वो अपने बेटे को सौंपनी है। लेकिन मैं एक बात और भी अच्छी कहना चाहता हूँ जो शांति धारीवाल जी के लिए है कि ये जो जितना भी विकास हो
हुआ कि कोटा के अंदर कोई 5,000 करोड़ रुपए का बात कही गई है, वो सारा का सारा जो पैसा है वो जो कोटा UIT है उसने इनकम अर्ज करके और फिर बाद में उसको खर्च किया है। तो ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहे। अब स्वाभाविक है, क्या नाम जो नगरीय विकास मंत्रालय शांति धारीवाल जी के पास था तो उन्होंने UIT को इस सशक्त माध्यम से लाए होंगे कि उन्होंने पैसा अर्जित कर लिया, लेकिन जो स्कीम आपने कोटा में अपनाई है वही सरकार को स्कीम दूसरे शहरों में भी अपनाई जानी चाहिए और जो स्थानीय निकाय है उनको इतना सशक्त बनाया जाना चाहिए कि वो इतने इतने बड़े बड़े कार्य कर सके। अब जहां तक कोटा का विकास की बात है, मैं उस पर क्या नाम से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है जो कांग्रेस पे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक जयपुर के अमीन काजमी, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि क्या नाम से शांति धारीवाल नगरीय विकास मंत्री पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन उन्होंने जयपुर की उपेक्षा करके कोटा का सबसे ज्यादा विकास कर। पंकज जी देखिए बार बार सवाल ये उठ रहा था और खुद UDH मंत्री से भी पूछा गया कि प्रदेश के आप UDH मंत्री हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कोटा के ही आप मंत्री हैं। उनका जवाब यही था कि कोटा में क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया वो खत्म हुआ है, वो नजर आ रहा है, इसलिए लोगों को लगता है कि सिर्फ विकास वहां का हुआ है। लेकिन विपक्ष तो सवाल उठाएगा पंकज जी, विपक्ष तो कहेगा ही कि पूरे प्रदेश में और भी जगह थे, विकास और भी जगह हो सकते थे, सिर्फ कोटा ही क्यों। माननीय धारीवाल साहब ने अभी रिवर फ्रंट के उद्घाटन के पूर्व जयपुर में पत्रकार वार्ता आयोजित की थी, उसमें विस्तार से उन्होंने जवाब दिया था कि जयपुर में क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं, उदयपुर में क्या क्या विकास के कार्य हुए, अजमेर में क्या क्या विकास के कार्य हुए, बीकानेर में क्या क्या विकास के कार्य हुए, जोधपुर में क्या क्या विकास के कार्य हुए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कांग्रेस शासन में जो विकास के काम कोटा समेत सभी शहरों में हुए हैं उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए विकास ठप था राजस्थान का, ये झूठ बोलने के आदि हैं, तथ्यों से परे होकर बात करते हैं। ठीक है, लेकिन विकास जी एक अहम बात, आपने भी एक सवाल किया था कि जयपुर की उपेक्षा की गई या दूसरे शहरों को ध्यान नहीं दिया गया, सवाल द्रव्यवती नदी को लेकर भी पूछा गया था उनसे कि क्या प्रायोरिटी में ये नहीं था, पहले इसका विकास नहीं होना चाहिए। उनका कहना ये था कि पिछली सरकार ने इतने रोड़े अटका रखे थे कि वो नियम कायदे से जो होना चाहिए वो नहीं था और उस वजह से ही वो काम अटका रह गया और इसलिए हम उसे कर नहीं पाए। प्रायोरिटी में वो होता है पहले हम उसे पूरा करते हैं। का पालन किया है वो तो श्वेता जी आप देख ही रही हैं। अजमेर में इनके 7 वंडर, मैं श्वेता जी आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज बस एक मिनट क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, विकास जी आप अपनी बात रखिए। नहीं मैं उनको बोल रही हूं, मैं आपको बताऊं इन्होंने कितने नियम कायदों का पालन किया वो तो आप देख रही हैं। अजमेर का इनका 7 वंडर टूटने के आदेश जारी हो चुके हैं, वहां से इनकी सरकार जो है वो जिम्मेदारी से भागती फिर रही है। आपको मैं बताऊं श्वेता जी, इनके कांग्रेस के विधायकों ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं और ये आरोप गलत नहीं है, यार उप सत्य है। इनके एक मंत्री ने तो शांति धारीवाल जी की मानसिक क्षमता के ऊपर क्या शब्द बोले मैं बोलना नहीं चाहता, फिर भी आपको पता है अलाइनमेंट आउट उनका हो चुका है और कहीं ना कहीं इन चीजों से वो ये अपने 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 इनके, विचार इनके मंत्री सकते ने जो बोला अपने मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, जो इनके मंत्री ने कहा बिल्कुल ठीक है, मुद्दों पर हम बात कर रहे हो ठीक है, अगर विकास किया है और इसमें कमियां हैं तो उसको लेकर आप बिल्कुल सवाल भी उठाइएगा, विपक्ष की भूमिका भी निभाइएगा, लेकिन क्योंकि जयती क्योंकि वहां पर आज का दिन तो बीत गया लेकिन कल का दिन भी बेहद अहम है, उस लिहाज से बात करें तो सीएम कल कब तक पहुंचेंगे क्योंकि कैबिनेट की जो बैठक है वो भी स्थगित हो गई है। बिल्कुल श्वेता आप ठीक कह रही हैं क्योंकि आज का दिन तो ऑलमोस्ट अब खत्म ही समझ रहे हैं सब, हालांकि जो मीडिया सेंटर में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसको लेकर के अभी अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद भी वो क्लैरिटी भी आ जाएगी, आगे जो फाउंटेन शो था उसको लेकर भी क्लैरिटी, लेकिन बारिश रुक नहीं रही है, लगभग एक घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। आगे कल की अगर बात करें तो कल भी कोटा के लिए खास दिन है, सौगातों वाला, अगर उसको उस परस्पेक्टिव से देखा जाए कि डेवलपमेंट हो रहा है तो बिल्कुल उस चीज़ का एक बड़ा श्रेय जाएगा UDH मिनिस्टर शांति धारीवाल को, लगातार वो कोशिश रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और टीम उनके साथ में लगातार सिंक्रोनाइज करके कम्युनिकेशन के जरिए इस टास्क को पूरा कर चुकी है जो कि पहले सोचने में लगता था कि नहीं हो पाएगा। अभी भी झरना बह रहा है, अभी भी आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे की खूबसूरत ठीक है जयती, नजर बनाकर रखिए क्योंकि आप ही के जरिए कल भी हम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, दूसरा दिन कितना अहम रहेगा और क्योंकि सीएम भी कल वहां पर पहुंचेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी के चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए मॉडल सिटी कोटा
एक नए रूप में अब नजर आएगा। अभी तक तो सिर्फ कोचिंग सिटी के तौर पर ही जाना जाता था, लेकिन ठीक है, कमियां अगर कुछ हैं जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है उस पर भी जांच होगी अगर उस पर कमियां पाई जाती हैं तो, लेकिन उन कमियों को पूरा करने की कोशिश भी सरकार कर रही है। दूसरी तरफ एक बड़ा प्रोजेक्ट था, वक्त से पहले पूरा किया गया और ये सिर्फ कोटा के लिए नहीं, सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी बड़ी बात होगी जब एक राजस्थान मॉडल और कोटा मॉडल के तौर पर चर्चा होगी, बातचीत होगी और पर्यटन के लिहाज से भी राजस्थान को इसका फायदा मिलेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो अच्छा प्रोजेक्ट है, फायदा यहां पर राजस्थान को मिलेगा, नाम दुनिया भर में होगा, लेकिन अगर कमियां कुछ हैं तो उसे लेकर भी सरकार पर सवाल उठ भी रहे हैं तो उसका जवाब सरकार देगी और उन कमियों को दूर करने की भी कोशिश करेगा। उम्मीद करते हैं कि कल का दिन भी यहां पर खास रहे, अहम रहे और खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोटा में रहते हैं और जो कई तरह की मानसिक स्थिति से रूबरू होते हैं, जिनकी हाल ही में हमने देखा है सुसाइड के केसेस जो आए हैं, उन सब से निकलकर स्टूडेंट्स को एक अच्छा माहौल मिले और कोटा की तस्वीर बिल्कुल बदलकर सामने आए। चलिए, शिक्षा विद फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।